अमेजिंग कंट्री, वापिस आना बनता है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर निकल गया अभी जस्ट एयरपोर्ट से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की क्या बॉर्डर सिक्योरिटी है, ना कोई हेलो ना कोई हाय, बहुत रूड बंदे हैं दबा के। तो ये लो भाई जल्दी से अपन चलते हैं होटल की साइड, ये सूटकेस रख के आता हूँ मैं, तो इसको रख के आता हूँ मैं, थोड़ा टाउन घूमते हैं, सिटी देखते हैं, ऊपरा हाउस या जो इनका ब्रिज है स्पेशल, तो बढ़िया स्वाद फन लेके आते हैं, क्योंकि कल अपनी वापसी है बैक होम न्यूजीलैंड, तो उसके बाद अपने को मौका नहीं मिलना, तो लेट्स एक्सप्लोर जो कर सकते हैं अपन। अभी मेट्रो में जा रहे हैं बाय द वे, तो सिडनी की यहाँ की एयरपोर्ट है जो सीधा टाउन जाती है यहाँ से, तो लेट्स गो भाई। कुछ भी गो, ये जिस बंदे ने मुझे ये दिया है ना ये लगेज ट्रैवल के लिए, टैची कह देता हूँ, ये जिस मेरे भाई ने दी एक्चुअली मुझे, भाई क्या कंफर्टेबल ट्रैवल होता है इससे, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, बहुत ज़्यादा इतना लाइट वेट, मतलब बंदे को लगे कितना कंफर्टेबल ट्रैवल है यार। नीचे जाए जा रहे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। भाई ये तो अभी पता चला मुझे, दिस ट्रेन इज डबल डेकर, मतलब आप नीचे भी बैठ सकते हो और ऊपर भी, दिस इज अमेजिंग, ये अच्छी चीज लगी, काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस होएगा ये। ये लो भाई एयरपोर्ट सॉरी मेट्रो से बाहर निकल के, क्या कमाल के इनकी मेट्रो स्टेशन है, देख के हैरान हो जाए बंदा, अमेजिंग ब्यूटीफुल। बस अभी अपने को एग्ज़िट देखना है जो, क्योंकि बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है ये, तो अपने को राइट एग्ज़िट देख के राइट बस पकड़नी है। भाई ये लो अपन निकलने जा रहे हैं बस मेट्रो स्टेशन से बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि आज ही कटिंग करवाई है, फिजी में तब चमचमाती धूप थी। ये लो भाई लाइफ जल्दी चेंज हो जाती है, कहाँ पे छोटे से एक टापू पे थे, अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगे बीच विद इन फ्यू आवर्स, कोई ज़्यादा लंबी फ्लाइट नहीं थी, 4 घंटे की फ़्लाइट थी बस, लेकिन लगा ऐसे भाई काफ़ी टाइम हो गया। सो ये सिडनी आम है, ये साला क्या कंसेप्ट है, ईट स्लीप एंड प्ले, ज़िंदगी में काम नहीं करना, कोई ज़्यादा यार हैपनिंग नहीं है जैसे, क्योंकि आज है भी ट्यूसडे और जैसे मतलब खाली सा, आप देख सकते हो वीडियो से, या तो मैं टाउन सेंटर में हूँ नहीं, थोड़ा खाली सा लग रहा है। ये लो भाई ये बैकपैकर मिल गया, मैंने सोचा कोई बंदे बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ताड़े लटकाए हुए हैं, इसने कोड भेजा है, वो कोड डाल गए इसमें से, जैसे मैं ये दिखाऊँ इसमें से चाबी निकलेगी अब, और सॉरी कार्ड निकलेगा, इस कार्ड को यार ये बंद नहीं हो रहा, साला कोई काम करने के लिए बंदे हैं बाय चांस ये न मिले, इंटरनेट बंद हो जाए फिर क्या होएगा। अभी खुल गया गेट देखो, और ये आ गया अंदर, बाय चांस इंटरनेट चले ना चले, रात को मिले ना मिले, कोई बंदा तो हो, इतना बड़ा होटल है, चलो बैकपैकर कह सकते हैं। ये लो भाई होटल में सामान वाम रखे आगे, अब मैं आया हूँ यहाँ की स्पेशल, जो यहाँ की स्पेशल नहीं फेमस ट्रैम, और ट्रैम से आप जाएंगे यहाँ का स्पेशल ओपेरा हाउस देखने के लिए, लेट्स गो। ये लो भाई बहुत ज़्यादा दूर से मैं मेट्रो पकड़ के आया, वो सॉरी ट्रेन पकड़ के आया, अब चला भी हूँ मैं, साला एक सिटी में आने के बाद ऐसे है ना भाई, स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे चलना पड़ता है सिटी में आके, तो फाइनली मुझे ग्लिम्स दिखा है ओपेरा हाउस का, ओपेरा है ओपेरा जो भी है, दिखाता हूँ आपको मैं, बस ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये काफ़ी मतलब बड़ा लग रहा है फोन में, आपको शायद नया दिखे, इन रियल मैसिव स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा बड़ा, पास चल के देखते हैं, चलो भाई ये क्या मतलब, क्या कोई कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है, ये अगर आपने नहीं देखा
ये मैंने भी नहीं देखा, तो चलो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन जब मौका मिले तो देख लेना चाहिए। ये यहाँ पे ब्रिज है इनका, फेमस ब्रिज, और यहाँ पे है इनका ओपरा हाउस। क्या बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब उसके बाद वहाँ पे फेरी व्हील्स, बहुत बड़ा मैसिव है। और आपको शायद वीडियो में नहीं दिखे, लेकिन मेरी आंखों से देखूँ इन पर्सन तो मैसिव मैसिव, मतलब अमेजिंग बनती है डेफिनेटली यहाँ पे वीडियो। और टोपी पहन के रात को पता नहीं मैं क्या कहाँ पे घूम रहा हूँ, लेकिन ये है मेरे पास, मेरे पीछे ब्रिज, यहाँ पे लोग पीछे खाना खा रहे हैं ब्रिज के सामने बैठ के, और इस साइड है ओपरा हाउस। क्या अमेजिंग, मतलब नेक्स्ट लेवल। ये मैं बिल्कुल नीचे ये ओपेरा हाउस के नीचे खड़ा हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। इमेजिन करो इंडिया होता है, यहाँ पे लाइन लगी होती, एक बंदा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। और ये पीछे कितना बढ़िया स्पॉट है, वहाँ पे पीछे कुछ बंदे हैं, लेकिन पता नहीं यार कैसे अमेजिंग, मतलब रात को लोग वैसे ही आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए वॉक पे ऐसे निकल जाए। तो फ़ोन छोड़ के यार थोड़ा देखता हूँ मैं, क्या मैसेज स्ट्रक्चर है भाई। एक ये स्टेशन आया था बीच में चाइना टाउन, तो मैं यहाँ पे रुक गया, मैं कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं, बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख। तो किसी ने रेकमेंड किया, मैंने पूछा भाई कोई खाने पीने की जगह, दो तीन जगह थी बस, मैकडोनल्ड्स या KFC, तो मैं ये तो खा खा के थक गए, कुछ अलग खाते हैं। तो उन्होंने कहा बीच में स्टेशन आएगा चाइना टाउन, यहाँ पर ट्राई करना। तो भाई यहाँ पर आया मैं, और एक ऐसा लगा जैसे चाइना में घुस गया, और मैं दिखाता हूँ आप हैरान हो जाओगे, मैंने तो खुद ऐसा पहली बार देखा है। तो भाई ये वाला रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे बड़े बड़े डोंगे पड़े हैं, बाउल होते हैं ना बाउल, और ऊपर चिमटे लटके हुए हैं। तो ये है यहाँ पे इनका सॉस का मेन्यू, भाई कौन सी सॉस चाहिए आपको, तो यहाँ पे जाओ आप और चूज़ करो भाई आपको जो कुछ सामान चाहिए, कोई भी वेजिटेबल चाहिए, कोई सामान चाहिए, कौन सा भी मीट चाहिए, यहाँ से चूज़ करके सारी सब्जियाँ A to Z, और नीचे सी फूड वगैरह पोर्क बीफ ऑल इन वन, फिर काउंटर पे ले जाओ, वो वेट करके आपको सॉस डाल के गर्म करके वापसी दे देंगे। और मतलब अमेजिंग कंसेप्ट, बढ़िया एकदम। और ये सॉस है, फिर वो सॉस जैसे मैंने चूज़ करी है इसमें से कोरियन किमची, और तो अमेजिंग कंसेप्ट। और ये मैंने साथ में लिया एक जापानीज टी, तो गुड एक्सपीरियंस। कोका कोला पीने की सोच रहा था, फिर मैं सोचा कोका कोला तो कहीं भी पी लो, तो ये है जापानीज टी, अमेजिंग, मतलब चाय है स्टिल चाय। वो कहते हैं ना पहले आंखें खाती है, पहले आंखें, वो कहते हैं आंखें नहीं खाती, पहले पहले कैमरे की आंखें खाती है। तो अमेजिंग यार, ये क्या ऐसे कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरे कैसे फिनिश होएगा ये। भाई ये 5 किलो का कटोरा भर के दे दिया इन्होंने, इसका साइज देखो इतना बड़ा, कैसे खाऊंगा मैं। मैंने थोड़ा सा फिल करने के लिए कहा था इनको, इन्होंने इतनी सॉस डाल दी इसमें, भिंडिया भांडिया जो चूज़ करी थी मैंने, जो भी सब्जियाँ मैंने वहाँ से उठाई इसमें से, वो इन्होंने इसमें डाली, कुक कर दी और मुझे दे दिया ये। दिस इज़ मैसिव। अब मैं फिनिश करता हूँ कैमरा छोड़ के इसको, और वो चाइनीज़ टी के साथ में, नाइस। ये लो भाई अभी आया हूँ, पसीने छूट गए, मैंने तो ये डब्बा पैक ही करवा लिया भाई, मैं 1/3 भी नहीं पहुँचा उसके, उससे पहले पसीने आ गए, बस पागल हो गया मैं। मैंने उनको कहा मैं भाई बढ़िया खाना है, लेकिन ये कंसेप्ट हमारे हैं नहीं न्यूजीलैंड में, तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने तो बहुत सारा सामान डाल लिया था उसमें, और फिर जब बन के आया वो, मैं भाई अब ये इसको खाएगा कौन। तो भाई मैंने तो उसको डलवा लिया, वो कल फ्लाइट पकड़ने से पहले आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट यही कर लेंगे अपन। सो आप आगे स्पेस क्यू अपने हॉस्टल में, एंड इसी को कहते हैं एक और नाइट, और अपन मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी। टेक केयर।